बिहार के स्वास्थ्य विभाग से तकलीफ क्यों ना हो, तस्वीर मुंगेर से आई है जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीर मानवता को शर्मसार कर रही है। जहां एक मरीज को अस्पताल पहुंचाना तो छोड़ ही दीजिए, मरीज की मौत के बाद एम्बुलेंस तक नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए परिजन गिड़गिड़ाते रहे, अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। अंत में मोटरसाइकिल से शव को घर ले जाना पड़ा। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र के चमनगढ़ गांव में 15 साल का मुस्कान कुमार अपने धान की खेती को देखने के लिए जा रहा था, तभी गांव से बाहर बने पोखर में पैर फिसल गया। परिजनों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों में मातम पसर गया। परिजन ने सबको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था का आलम यह है कि शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल एम्बुलेंस भी नहीं दे पाया। एक पिता बेटे के खोने के गम में है, लेकिन अपने जवान बेटे को खो चुके पिता की बातें आपको झकझोर कर रख देंगी। यहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं मिला हमको, मोटरसाइकिल पर अपने बेटे को लाश लेकर के जा रहे हैं और कोई सुविधा नहीं। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले कि हम यहाँ कुछ सहयोग नहीं कर सकते। एम्बुलेंस आपको नहीं दिया गया? नहीं नहीं। कोरोना का कहर है, बाढ़ है और चुनाव भी नजदीक है, लिहाजा सियासी अखाड़े में उठापटक भी तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाया है। आज कोरोना के 39,006 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 94,459 हो चुकी है, यानी 1,00,000 के बेहद करीब। जब कोरोना का आंकड़ा 1,00,000 को छूने को बेताब है, ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर जो हमला बोला है, जरा वो सुनिए। 3,24,000 जो आरटीपीसीआर से हुए हैं, 1,00,000 का वॉल्यूम है से हुए हैं, और एंटीजन से दोबारा ऊंचाई की दोहराए आंकड़े सुनिएगा। मैं से दो रहा हूं, आरटीपीसीआर से 3,24,000 जांच हुए हैं, ट्रूनेट मशीन से 1,10,000 जांच हुआ है और एंटीजन टेस्ट किट से 1,78,000 जांच हुआ है। इसमें मंगल पांडे जी ने कहा है कि औसतन जो है लगभग 3,00,000, यानी टोटल जो जांच की संख्या है 6,12,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 3,25,000 जो है आरटीपीसीआर टेस्ट हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा, तो हम ये दोबारा भी हमने देखा होगा वीडियो में, हमने पूछा क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। हम जानते थे, इसलिए जानबूझ के हमने मंगल पांडे जी को कहा कि आंकड़े जो है थोड़ा फिर से दोहराइए, इनके पाखंड को, इनके षड्यंत्र को हम लोग जान रहे थे। अब देखिए जवाब आप सब लोगों ने सुना, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो कोरोना को लेकर के 10 राज्यों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया था। इसमें जो है, और ये जो आंकड़े जो हैं हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं, चाहे विधानसभा में मंगल पांडे जी ने बताया होगा तो 3 अगस्त को था तो 2 ही अगस्त तक का बता रहे थे, और ये भी हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। यानी टोटल जो जांच है आरटीपीसीआर का वो केवल जो है 6,100 जांच जो है आरटीपीसीआर का हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। 6,100 केवल आरटीपीसीआर का जांच हुआ है, यानी अब तक जितने जांच हुए हैं उसका केवल 10% ही आरटीपीसीआर का जांच हुआ है पर डे का, ये जो आंकड़ा है यानी पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का
जो है आरटीपीसीआर का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% आरटीपीसीआर का जांच हुआ 2 अगस्त तक का प्रतिदिन। ये बेवकूफ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे। हम आपको टेस्ट के इस टर्मिनोलॉजी को समझाते हैं। जो डॉक्टरों से अब तक सुझाव आए हैं, एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड का इस्तेमाल होता है ताकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाया जाए। इसके नतीजे आने में 12 से 24 घंटे का वक्त लगता है। आरटीपीसीआर में इस बात की जांच की जाती है कि वायरस मौजूद है या नहीं। आरटीपीसीआर टेस्ट में भी टाइम लगता है और इसकी किट भी महंगी होती है। रैपिड टेस्टिंग किट का रिजल्ट महज 30 मिनट में सामने आ जाता है, हालांकि प्रारंभिक परिणाम 15 मिनट में ही साफ होने लगते हैं। इसके लिए नाक के भीतर से नमूना लिया जाता है और उसकी जांच वहीं पर हो जाती है, यानी नमूने को टेस्टिंग के लिए लैब नहीं भेजना पड़ता है। जिनका रिजल्ट रैपिड टेस्टिंग किट में निगेटिव आता है, उसे सुनिश्चित करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट भी जरूरी है। पॉजिटिव पाए जाने पर किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोरोना और बाढ़ जैसे वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा राजनीति के रण में उठापटक जारी रहेगी, एक दूसरे के पछाड़ने की कोशिश होती रहेगी। लेकिन इन सब के साथ आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ अक्षय कुमार सिंह।